बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया सामने। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने मंगलवार को पटना में एक्ट्रेस रिया चक्रवेदी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उन्होंने रिया चक्रवेदी को लेकर कई बड़े खुलासे किए। इस बीच ये भी जानकारी सामने आई कि रिया चक्रवेदी और उनके भाई शोभिक चक्रवेदी सुशांत सिंह राजपूत के साथ 3 कंपनियों के डायरेक्टर थे। ये तीनों ही स्टार्टअप कंपनियां थी। इसमें से एक विवड्रॉज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसकी स्थापना सितंबर 2019 में की गई थी। इसके अलावा फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन नाम से भी एक कंपनी है। वहीं इनसाई वेंचर्स के नाम से भी पहली कंपनी थी, जिसकी स्थापना 2018 में लॉन्च हुई थी। बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह की ओर से दर्ज कराई गई FIR में कई खुलासे किए गए हैं। के सिंह ने आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत से पैसे के लिए उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया है। के सिंह के मुताबिक रिया ने सुशांत को धोखा दिया, उसके पैसे हड़प लिए। इसके अलावा परिवार से सुशांत को पूरी तरीके से काट दिया। के सिंह ने कहा कि सुशांत की कमाई करोड़ों रुपए पर भी रिया की नजर थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि साल 2019 में सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन कुछ महीनों में ही 15 करोड़ रुपए बच गए, दिए गए जो उनसे जुड़े नहीं थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि रिया और उसके सहयोगियों ने कितने पैसे ट्रांसफर किए। और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि सुशांत अपने पैसों का हर हिसाब किताब रिया को दिया करता था। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट्स, और मैं हूं आपके साथ साधिका कौर।